allow you to. Okay, boss. एक्सचेंज करें ओके टेक इट के बाजार के हॉकर्स के जैसे चिल्ला रहे हैं मैडम इसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं लगता है मंगल ग्रह से आई है मैडम यू वांट टैक्सी मैडम आई वांट ब्रह्मा आई नो मैडम आई टेक मैडम यू सिटिंग मैडम आई गोइंग मैडम कम ऑन मैडम कम ऑन मैडम यार गोविंदा सॉलिड चिड़िया मिल गई है मैं ड्राइविंग करते समय उसको और खुद को बार बार देख रहा हूँ कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए अगर बात बन गई ना तो अपने बच्चों की माँ बनाऊंगा इसे हेलो मैडम माय फ्रेंड फोनिंग आई एम टॉकिंग मैं हिंदी अच्छी तरह समझ सकती हूँ ओके मैडम साउंड म्यूट करो यस मैम ओके मैडम मैडम आपका वो बैग बहुत ही बढ़िया है क्या कहा तुमने नहीं नहीं आपका बैग बहुत ही बढ़िया है बैग तो बढ़िया है ही उसके अंदर जो गन है वो भी बढ़िया है क्या गन क्या मैडम आप भी ना मजाक करती रहती हैं अगर आप गन है ना तो मैं बुलेट हूँ अगर दोनों मिल जाए तो फायरिंग और उसके बाद एक जोगी और एक जोगन और मैं तो अभी से कह रहा हूँ दो बच्चे से ज्यादा ठीक नहीं शट अप बहुत सीरियस लगती हो मैडम मैडम ब्रह्मा जी का टेंपल आ गया मैडम तशरीफ उतारिए व्हाट ब्रह्मा जी का टेंपल आई डोंट वांट गॉड ब्रह्मा आई वांट लीडर ब्रह्मा के यहाँ मैडम ओके मैडम डोर क्लोजिंग मैडम मैडम आप ब्रह्मा के पास क्यों जा रही है मैडम उसे मारने के लिए आप फिर से मजाक करने लगी है ना मैडम दोबारा
ब्रह्मा के बारे में ऐसी बातें मत करिएगा, आपके लिए ठीक नहीं होगा। ब्रह्मा के बारे में तुम जानते हो क्या? ब्रह्मा के बारे में यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप चाहें तो पूरी स्टोरी सुना सकता हूँ मैडम। क्या बात है वीर? तुम्हारे कब्जे में जितनी भी जमीन है वो सब हमारी है। हमारे दादाजी ने खैरात में दी थी, ये सारी जमीन हमें वापस चाहिए। ना तो देने वाले तेरे दादा रहे, ना तो लेने वाले मेरे दादा। ये सारी जमीन मेरी है, इस पटेल वंश की। चुप चाप जा यहाँ से। काट डालो सबको। फैसला करने में बहुत वक्त ले लिया। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर उन्हें घेर लो और सबको काट डालो। सबकी लाश बिछा दो। देखो ये मेरा पोता है। मेरे दादाजी राजा धर्मराज के जैसा ही दिखता है ना ये। बाऊजी, आपके वंश का साया तक मेरे बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरा बेटा है, आज से आपके वंश का फुल स्टॉप, अंत। आज से मेरा वंश शुरू होगा, नया, नए वंश की मैं सृष्टि करूंगा। इसे करोड़ों करोड़ रुपया कमाने लायक बनाऊंगा। कांपेगी दुनिया, इससे कांपेगी।
छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, नहीं मुझे छोड़ दो। इसका नाम प्रदीप शेट्टी है, फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर, शहर के सारे मिनिस्टर्स का अकाउंट यही संभालता है। कहाँ मिलेगा ये? तुम लोग, तुम्हारे पास पूरा 100 करोड़ रुपया है, बताओ उसे कहाँ छुपा रखा है। बिन बुलाए मेहमान की तरह अंदर घुसकर आ गए, अब 100 करोड़ 200 करोड़ की बात कर रहे हो। इस वक्त पॉलिटिशियंस के अकाउंट्स में कितना पैसा और कहाँ कहाँ रखा उसका कंप्लीट डिटेल्स चाहिए मुझे इसी वक्त। ए, तुझे पता है तू इस वक्त किससे बात कर रहा है? चुपचाप यहाँ से चला जा वरना बहुत पछताएगा। नहीं, तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। इस हार्ड डिस्क में सारे बड़े लोगों के अकाउंट डिटेल्स हैं। अब तो मुझे छोड़ देना। तूने सारे पैसे कहाँ छुपा रखे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? नहीं बताएगा? मुझे कुछ मत करना। देखो तेरे को पैसे यहाँ रखे हैं। मेरी माँ। Come on. बैग में भर लो। मानी चाहिए। इंटरनेशनल डॉन और टेररिस्ट लोग हमारी एक्टिविटीज को चुनौती दे रहे हैं। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल छोटा चेतन दुबई में सेटल हो चुका है। दूसरा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल छोटा वकील इस वक्त गल्फ में है। और द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बारूद इब्राहिम इस वक्त पाकिस्तान में छुपा हुआ है। उसी लिस्ट में और एक नाम है, ब्रह्मा डॉन, एक बड़ा माफिया, हिंदुस्तान में ही है। हम में से क्यों कोई उसे नहीं पकड़ पा रहा है? What's the reason behind it? हमारे स्टेट पुलिस के नाम से क्रिमिनल्स की पतलून गीली हो जाती है, लेकिन जब ब्रह्मा का नाम आता है तो हमारा ही डिपार्टमेंट ढीला पड़ जाता है। Why? Give me one reason why? सर, ये ब्रह्मा कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है। वो किस वक्त किस बेस में रहता है वो जानना बहुत ही मुश्किल है सर। हो सकता है वो आपके घर का वॉचमैन हो सर। Shut up! उसे पकड़ना तुम लोगों के पास की बात नहीं है। उसके लिए हमें एक जाबाज ऑफिसर चाहिए और मैं जानता हूं वो कौन है। मिस्टर भैरव सिंह, पता नहीं कैसे पर मैं जानता हूं कि तुम 30 दिन के अंदर ब्रह्मा को इंडिया के किसी भी कोने से पकड़ के ले आओगे। 30 डेज नहीं सर, 30 डेज से एक दिन पहले ही सर, उसे जिंदा या मुर्दा आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। गुड लक। थैंक यू सर। ब्रह्मा ने अगर 1 रुपए की भी चीटिंग की हो या किसी को तकलीफ पहुंचाई हो तो वो बेहिचक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेक माय नंबर 9663308057। ए ब्रह्मा सुन ले तू, पुरातन काल में उस ब्रह्मा का 5वां सर काटने वाला वो काल भैरव था। अब तेरा सर काटने के लिए ये भैरव सिंह है। सर, शंकर सर, ब्रह्मा की एक्टिविटीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। यस सर। रघु यस सर। वो देश को छोड़कर बाहर ना जाने पाए।
सारे एयरपोर्ट्स को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। श्रीधर। यस सर। शहर के हर एक पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट की एक एक कॉपी भेजो। यस सर। हर एक ऑलर्ट रहने के लिए बोलो। ओके सर। 2 दिनों के अंदर मुझे क्लूज चाहिए। ओके ओके सर। मूव। नमस्ते सर। बैठिए मैडम। घबराने की जरूरत नहीं, हिम्मत से कहिए, जो भी हुआ खुलकर बताइए। सर मुझे ब्रह्मा चाहिए सर। आपको ही नहीं, हमें भी चाहिए, बताइए। वो ना बहुत बड़ा जादूगर है सर। ए, पहले पॉइंट पे आइए, ये बताइए कि उससे आपका क्या रिश्ता है। सर वो ना मुझे Jenny, where are you? Come fast. I'm already here. Bye. Hello, hello, listen. I know you are helpless, but I don't think you are hopeless. This is a temporary solution. I want to give you a permanent solution, okay? Hello? Is it just Dial? Ha. That's good. Hello? What is this? Look, now you're not a beggar man, okay? Yeah. Wait. Keep this. Yeah. Now you are a businessman, okay? Thank you. I wish you all the best. Yeah. All right? Thank you very much. Bye. Wow. Fantastic person. Excuse me. Yes? How much is this for? इस वक्त मैं भी एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। मेरा ये काम हर हाल में होना चाहिए गणपति बप्पा। आपके ब्लेसिंग्स की मुझे सख्त जरूरत है। आप हिंदुस्तानी हैं? हाँ पंडित जी, और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने हमारे भगवान को लाकर यहाँ फेमस किया। आप ग्रेट हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुब्रमण्यम जी को 2 साल हो गए हैं यहाँ विराजमान हुए। अगले हफ्ते वेंकटेश्वर जी भी आ रहे हैं, उसके बाद हनुमान जी, मल्लेश्वर का सर्कल मरम्मा और बड़ी माता लक्ष्मी, उन सब की वीजा के लिए भी अप्लाई किया है। उन सबको यहाँ ले आऊंगा। ये क्या पंडित जी, आप यहाँ भगवान को लाने की ऐसी बात कर रहे हैं जैसे वो आपके कजन, ब्रदर और सिस्टर हो। आखिर माजरा क्या है? माजरा सब बाद में बताऊंगा, पहले घर चलो। Who is that? कौन है? बेटी जरा देखो ना दरवाजे पर कौन है। मां देखती हूँ। आप और यहाँ? क्या हुआ बेटी, तुम इन्हें ऐसे क्यों देख रही हो? तुम इन्हें पहले से जानती हो क्या? ये तो देवता स्वरूप इंसान हैं। हमारे यहाँ आते समय जानकी रास्ते में क्या हुआ? देखिए मलेशिया कितना खूबसूरत देश है, इंडिया को मलेशिया तक पहुँचने में 50 साल और लग जाएंगे। डर्टी पॉलिटिशियंस कंट्री। देखिए महाशय, जिस दिन वहाँ के डर्टी पॉलिटिशियंस और डर्टी पॉलिटिक्स मरेगी, उसी दिन इंडिया की तरक्की हो पाएगी। वो सब छोड़िए पंडित जी, आप अपना देश छोड़कर इतने छोटे से देश में आकर आनंद के साथ रह रहे हैं, मतलब भगवान की कृपा आप पर है। भगवान की कृपा है? किस भगवान की कृपा मुझ पर है? मुझ पर कृपा करने वाला कोई भगवान नहीं, ये घंटी, ये थाली और मेरी अकलमंदी है, समझे तुम? ये ना होता तो कुछ नहीं होता। भगवान भगवान कहकर किस भ्रम में जी रहे हो तुम लोग? पंडित जी ये क्या कह रहे हो, भगवा कपड़े पहनकर, रुद्राक्ष की माला गले में पहनकर
रोज भगवान की आप पूजा करते हैं, इसके बाद भी कह रहे हैं कि भगवान नहीं है। भगवान के नाम से मैं यहाँ एक बिजनेस चला रहा हूँ जिसमें मैं करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए एक बिजनेस है ना। बिजनेस और नहीं तो क्या। सुनो, उस भगवान को आज तक किसी ने संसार में देखा है? तुमने कभी देखा है बताओ। मैंने भगवान को देखा है पंडित जी। भगवान को देखा है? भगवान को मेरे सामने लाकर बताओ। आओ मेरे साथ, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, आज मैं देखना चाहता हूँ। इस टीवी में है क्या, सड़कों पर है, ट्रेन में है क्या, हवा में है क्या, जमीन पर है वो या आसमान में है, बताओ कहाँ है वो। इस थाली में है। इस थाली में? इस थाली में दिखेंगे, पकड़िए इसे। इस थाली में दिखाई देंगे वो? हाँ, एक मिनट बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। वो देखिए, वो ट्रैफिक सिग्नल जब खुलेगा ना तो लोगों की भीड़ इधर आएगी, तब आप हेल्प मी कहना, वो भी आंख बंद करके। भिखारी हूँ क्या? देखिए पंडित जी, रोजाना आरती करने के बाद आप ये थाली लेकर घूमते हैं, तब पब्लिक पैसा नहीं डालती क्या? वो भीख मांगना है क्या? नहीं ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ये थाली हाथ में लीजिए, आंख बंद कीजिए और सोचिए कि भगवान इसमें बहुत सारा पैसा गिरा, और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं और मेरे बाल बच्चे दिन रात खा कर ऐश करेंगे, ठीक है ना? तब तो इसमें भगवान दिखाओगे ना? हाँ, जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए पब्लिक आ रही है, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, चलिए शुरू हो जाइए। गिव मी मनी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज, जिससे मेरे बाल और बच्चे ऐश कर सके। गिव मी मनी प्लीज। हे, कहां है तुम्हारा भगवान? क्यों, आपको भगवान दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। ओके, अब दिखेगा, इसे पकड़ो। अब अलग तरीके से मांगना होगा, पता है कैसे? भगवान, इसमें जो भी पैसे आएंगे उससे मैं गरीबों की मदद करूंगा, भूखों को खाना खिलाऊंगा, नंगे को कपड़े दूंगा, सारा पैसा बांट दूंगा। ओके, तो चलिए अब इस ढंग से मांग कर, इस ढंग से मांगूंगा तो भगवान दिखेंगे ना? आप शुरू तो कीजिए, पब्लिक आ रही है, शुरू कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए। हेल्प फॉर द पुअर पीपल सर, थैंक यू सर। हेल्प फॉर द पुअर पीपल सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। देखो थाली भर कर पैसे मिले, लेकिन भगवान मुझे नहीं दिखा अभी तक तुम्हारा। ये क्या कह रहे हैं पंडित जी, अभी तक आपको भगवान नहीं दिखे? पहले ये थाली खाली थी और अब देखिए पूरी नोटों से भरी है। देखिए पहले आपने कैसे मांगा था, भगवान मैं और मेरे बच्चे ऐश के साथ रहेंगे अगर तू ये थाली भर दे, तो किसी ने चवनी भी नहीं दी है ना। नेक्स्ट टाइम आपने कैसे मांगा, भगवान मैं गरीबों की मदद करूंगा, यानी दूसरों के लिए पैसे मांगे। देखा पैसों की कैसे बरसात हुई, आप समझे कि नहीं बात को। आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, टीवी का कनेक्शन है रिमोट से, रिमोट दबाओगे तभी टीवी ऑन होगा, है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, टीवी और रिमोट के बीच जो कनेक्शन है वो कभी आपको दिखाई दिया? नहीं दिखा ना। वैसा ही कनेक्शन भगवान के साथ होता है। इस तरह इस पुजारी को भगवान से मिलवा दिया बेटा, ये मेरी धर्म पत्नी है। नमस्कार माँ जी। नमस्ते, ये लीजिए। थैंक यू। मलेशिया में आकर भी आप अपने देश की संस्कृति और सभ्यता का कितने अच्छे ढंग से पालन कर रही है देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाई तब एक कल मैंने आपको ब्रिटिश कोर्ट के पास देखा था, उस बेगर को आपने एक नई लाइफ दी, रियली हैट्स ऑफ। अरे वो कौन सी बड़ी बात है, आई लव यू। क्या हुआ महाशय, आप गलत मत समझिएगा, जब कभी कोई भी अच्छा काम करता है तो मेरी बेटी आई लव यू कह के खुशी जाहिर करती है। सीरियसली मत लीजिए, हिंदुस्तानी लोग आई लव यू के पीछे एक ताजमहल ही खड़ा कर देते हैं महाशय। बातें अब बहुत हुई, आओ बेटा खाना खाते हैं। ऑलराइट, लुक आई नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल। हाय हाय, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। हां, बाय द वे मीट माय फ्रेंड रिकी। हाय, हेलो, नाइस मीटिंग यू। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। Excuse me, please. Yeah, sure. Yes. This matter is very confidential. Be careful. I okay. Understand. Yeah. Fine. Take care. Bye. Thanks. Okay then. So how are you? I'm good. क्या बात है? हम बार-बार टकरा रहे हैं। ये कोई magic या miracle तो नहीं है? Miracle कभी किया नहीं जाता, हो जाता है। Wow. Nice. So, coffee? By the way, आपने बताया नहीं कि आप मलेशिया क्यों आए हैं? Murder करने के लिए। Good joke. I like you. एक बात बताइए, कोई हमें पसंद आ जाए और हमारे सपनों में आता है, ये कॉन्सेप्ट सच है क्या? क्यों नहीं हो सकता, यद भावम तद भावति। You know what? कल आप मेरे सपने में आए थे। सपना नहीं है, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ। इसलिए, I'm so happy. अरे, ये किस चीज का ऐड है? ये मलेशिया में हर साल बेस्ट कपल का कॉन्टेस्ट होता है। दुनिया के कोने कोने से ट्रू लवर्स इस कॉन्टेस्ट में आते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस यू नो। तो हम भी ट्राई करें क्या, बोलो? Hey, we are not a couple. देखो हमारा टारगेट है 10 मिलियन कमाना, जीत गए तो 50-50, क्या इरादा है? Okay. Welcome to Malaysian Best Couple Contest. Beauty, 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 beauty. Jovan. Rap walk. I'm sexy and I know it.
down. आपका सवाल है, इंसान जब जन्म लेते हैं तो सभी लोग एक जैसे ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अच्छे रास्तों को अपनाते हैं और कुछ लोग गलत रास्तों को। इस बारे में आप क्या सोच रखते हैं? रीजन इज वेरी सिंपल। इंसान का सही या गलत रास्ता अपनाने की वजह होती है उसकी सोच। फॉर एग्जाम्पल, एक बेटा जो ये सोचता है कि मेरी माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखकर कितनी तकलीफें उठाई है, वो हमेशा सही रास्ते पर चलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो बेटा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वो हमेशा गलत रास्ते पर ही चलेगा। प्रिया, जब तुम साथ होती हो तो लगता है बारिश हो रही है, और जब तुम दूर होती हो तो लगता है तूफान आ गया, और जब तुम मुस्कुराती हो तो जैसे ठंड बढ़ जाती है, और जब तुम निराश होती हो तो लगता है भूचाल आ गया। Thanks for the weather report, gentleman. मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, सिर्फ तुम ही तुम नजर आओगी। मेरे मन में तुम बसी हुई हो। हमारा सच्चा प्यार, हमारा सच्चा विश्वास, हमारे रिश्ते की पवित्रता है। दिल तुम्हारा नाम लेकर धड़कता है। बाकी सारी बातें तो बहुत बात की है, संसार भी बात में आता है। सबसे पहले तो होता है प्यार, उसके बगैर सारी दुनिया बेकार है। तुम्हारे पिता को करोड़ों सलाम। हेलो, यू नीड टू प्रपोज योर वाइफ एंड नॉट योर फादर इन लॉ। झूठ कहने पर ही कहते हैं लड़की पैदा होती है। ऐसी अप्सरा के लिए झूठ बोलने वाले तुम्हारे पिता को करोड़ों सलाम। तुम्हारी खूबसूरती को बयां करते हुए दिल कहता है कि तुम्हारी तारीफ में शेर लिख दूं। बैड लक, मैं शायर नहीं हूं। दिल ये भी कहता है तुम्हारी इस खूबसूरती को हजारों पेंटिंग में उतार दूं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं पेंटर नहीं हूं। तुम्हारी अदाओं को बखान करने के लिए हजारों कहानियां लिख दूं, बट बैड लक, क्योंकि मैं राइटर नहीं हूं। लेकिन मैं कुछ नहीं हूं इसके बाद भी तुम मुझे मिली, ये मेरा गुड लक है। बट अफसोस की बात है, मैं तुम्हें हाई फाई लाइफ नहीं दे पाऊंगा। ऐश करने के लिए बड़ी गाड़ी में नहीं घुमा पाऊंगा, 5-स्टार होटल में भी नहीं ले जा पाऊंगा। बट इन सारी बातों से बहुत ऊपर हाई फाई बेहिसाब 5-स्टार प्यार मैं तुम्हें दूंगा, ये वादा है मेरा। जब हम पति पत्नी बन गए तो हम दोनों समान हैं, दोनों अहम हैं, दोनों एक हैं। मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम्हारे फैसलों को स्वीकार करूंगा, और इन सबसे बढ़कर तुमसे बहुत प्यार करूंगा। The winner of Malaysia's best couple is the Indian couple. Thank you very much. क्या हुआ? ऐसे बुत बन के क्यों खड़ी हो? हेलो, बताओ ना क्या हो गया? मुझसे कभी दूर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे प्यार में गिर गई हूँ। इस मिडनाइट पे रोड के बीचों बीच गिरी हुई दिख रही हो तुम। चलो उठो उठो उठो, चलो चलते। I love you. Hey, कंपटीशन कब की खत्म हो गई और तुम अभी एक्टिंग कर रही हो? हाँ, आप ही ने कहा था ना, कंपटीशन में आंखों में आंखें डालकर देखो, दिल की बात दिल जान जाएगा। इस वक्त मेरा दिल मुझसे कुछ कह रहा है, मुझे आप चाहिए। अपने दिल से पूछो क्या वो मुझे लव करता है, बिकॉज आई लव यू। देखो, मैंने वहां जो भी कुछ कहा वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग थी 10 मिलियन जीतने के लिए। इसे तुम सीरियसली मत लो, ओके? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उस दिन उसके जाने के बाद वो आज तक मुझे नहीं मिला सर। मुझे बाद में पता चला कि वो इंडिया आया हुआ है, इसलिए मलेशिया से यहाँ आकर उसे ढूंढ रही हूँ सर। प्लीज सर, उसे किसी भी तरह ढूंढ दीजिए। अब मेरा जीना मरना उसी पर निर्भर है। वो अच्छा इंसान नहीं है, क्रिमिनल है। उसने तुमसे प्यार न करके तुम्हारी जिंदगी बख्श दी है। सर, वो चाहे जो भी है सर, मुझे हर कीमत पर चाहिए। सुनो कांस्टेबल, इनका कंप्लेंट दर्ज करके जाने दो इन्हें। थैंक यू सर, मैं जल्दी हूँ। ओके मैडम। ये चीटर की औलाद मलेशिया में आया था। थैंक यू सर, थैंक यू।
कौन हो तुम? एक्चुअली कुछ महीनों पहले मैं बहुत ही लकी था सर। ड्रामा बंद करो और यहाँ क्यों आए हो ये बताओ। सर मैं कोई ड्रामा या फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ महीने पहले मैं बहुत ही लकी मैन था, पर अब नहीं रहा। उस नालायक ने मुझे भिखारी बना के छोड़ दिया उस ब्रह्मा ने। ओके बैठो। सच में बैठो। चलो बैठो। ब्रह्मा के बारे में क्या जानते हो? चलो बताओ। सर वो इंसान की औलाद नहीं है, वो शैतान की औलाद है। वो आते समय एक शरीफ और ईमानदार के भेष में आता है और जाते समय सब कुछ लूट कर आपको टकला कंगाल करके चला जाता है। जरा फ्लैशबैक में देखिए मेरी कहानी क्या है। सब उड़ जाएगा। I'm a lucky man. I'm a very lucky man. मेरी किस्मत 99% बुलंदियों में थी और ऐसे वक्त में एक ने मेरी जिंदगी में एंट्री ली सर। एक्सक्यूज मी। हेलो या आई एम लकी स्पीकिंग। क्यों मैं तू अपने दोस्त गोलगप्पा को भूल गया? अरे गोलगप्पा तू कैसा है यार? मैं तो ठीक हूँ यार, तू कैसा है? शिकारी भूखा हूँ, भूखा हूँ, शिकार का भूखा हूँ। मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तू कहाँ है? ए, मैं ऐसे किसी से नहीं मिलता, मैं कभी पैसे लेता हूँ पैसे। ठीक है मेरे बंदे को काम दिलवा दे यार। ए, देख यार तेरे कहने से मैं किसी हरगरे नफकरे को काम नहीं दिलवा सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं उसका टेस्ट लेता हूँ, सबसे पहले तो उसका फूड टेस्ट, उसका उसका ब्लड टेस्ट, और अगर वो बच गया तो फिर उसका ईमानदारी का टेस्ट, तो उसके बाद मैं उसको काम दिलवा देता हूँ। अच्छा तेरा वो लड़का है कहाँ? सर ये तेरी बात कर रहा था? यस सर आई एम ब्रह्मा। अब तू मुझसे हाथ मिलाएगा? तू मुझसे काम मांगने के लिए आया या मैं तुझसे हाथ मिलाने के लिए बैठा हूँ? आदमी चलो नन्ना की फैलो डंटी हैंड। चलो नमस्कार करो। ठीक है नमस्कार। सर कौन बोलेगा? सिर्फ नमस्कार बोलते हैं। नमस्कार सर। अबे कदे तुझे बड़ों की इज्जत करना और आदर करना नहीं आता है क्या? अपने दोनों हाथ जोड़कर इज्जत के साथ बड़ों को आदर करते हुए नमस्कार कहते हैं। सर वो कैसे किया जाता है आप एक बार करके दिखा दें तो फिर मैं भी कर दूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। अबे क्यों भे तू मुझसे हाथ जोड़कर नमस्ते करवा रहा था? सर ऐसे ना सर, नमस्कार सर, ठीक किया ना सर? ये बेटा सिर्फ मेरे साथ चलना ही काफी नहीं है, मेरे साथ अगर काम करना है तो मुझे जैसा अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है सर। क्या खाक ठीक है? बैग किधर है? सर बैग उधर टेबल के ऊपर है। उधर? यस सर। ठीक है तो मैं लेकर आता हूँ। जी जी सर। सर मैं लेकर आऊँ से? जी मैं लेकर आता हूँ। तो तू लेकर आएगा? तू मेरे साथ है तो बैग मुझे ही लाना चाहिए ना। क्या मैं लेकर आऊँ सर? नहीं नहीं मैं लेकर आऊँगा। ठीक है सर मैं लेकर आता हूँ। नहीं तो क्या मैं लेकर आऊँगा, तू ही तो लाएगा। सर बैग। I like it. Thank you sir. बैंड होने की जरूरत नहीं, सीधे खड़े रहो। अब चलो। सर आप आगे चलिए। नहीं तुम आगे चलो ना। सर आप आगे चलिए सर। किस लिए हमेशा तुम इंडियन लोग आप आगे चलो कहकर अक्सर पीछे रह जाते हैं? सर आप कौन से देश से हैं? इंडियन क्वेश्चंस नहीं करते हैं और तुम भी नहीं करोगे, अंडरस्टैंड? यस सर। देन फॉलो मी। मेरी स्पीड का मुकाबला इंडियंस कर ही नहीं सकते। ज्यादा हो गई है। सॉरी सर। तुम मेरे साथ लिफ्ट में आओगे अब? हाँ सर। तो फिर मैं कैसे आऊं सर? आउट, गेट आउट। सीढ़ियों से चढ़कर आना, सेवेंथ फ्लोर। अब मुझे कैसे आ गया सर? सीढ़ी से भागने वाला ग्रेट नहीं होता है, दौड़ाने वाला ग्रेट होता है। बिल्कुल सर।
अब चलो। देखो मैं हूं एक लकी मैन, तुम्हें मेरे खुशकिस्मत और मेरे लकी हैंड के बारे में कुछ पता है क्या? कुछ पता है क्या? पता नहीं सर। वही तो तुम्हें सबसे पहले जानना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक पियोगे? ये दिल मांगे कुछ और। अब ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ पूछा तुमसे और पी मैं गया इसीलिए? हाँ कैप ले लो सर। कैप ढक्कन। मुझे मत दिखाओ, जरा खुद देखो। सर इसमें एक फ्री भी लिखा हुआ है सर। वो तो मैं जानता हूँ, यही तो किस्मत वालों का खेल है। फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स, अब पी लो, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पी लो। आज तो हद से ज्यादा, कहीं हद से ज्यादा लकी दिन है। उस गोलगप्पे ने तुम्हें मेरे पास भेजकर जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है, वरना मुझ जैसा महान इंसान तुम्हें कैसे मिलता? बच्चे इधर आ, पेट में आग लगी है क्या? रहने दीजिए सर। अरे इस तरह शर्म मत कर, बोलना क्या खाएगा, आजा चल के खाते हैं। वेलकम टू राजधानी सर। ये क्या सर, राजा की तरह वेलकम किया जा रहा है? राजधानी, सोचो वेलकम इस रेंज का हो रहा है तो खाना किस रेंज का होगा? राजधानी का खाना है, चलो आ जाओ। सुपर सर, हम बाजरे की रोटी और पुदीने की चटनी खाने वालों को आज ये राजधानी का खाना नसीब हुआ। दिल करता है कि रोज यहीं पर आकर खाएं। बहुत बढ़िया सर। सर थोड़ी देर में वापस आए, ठीक है? सॉरी सर। बच्चे ब्रह्मा जी, अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें कौन सा काम देना चाहिए। अरे 1000 रुपए तो ज्यादा है, थोड़ा सस्ता वाला दिला दे सर। That is my boy. Thank you, sir. Hey up. Up. सीधा। आज के बाद इस लकी मैन के बदन पर एक मक्खी भी नहीं बैठनी चाहिए। तुम्हें मेरी रखवाली कुछ इस तरह से करनी होगी। सर सर मक्खी थी, मक्खी मक्खी बोलते डेटी शुरू कर दी इसने तो। वाओ सुपर सर, अब अपना सीना चौड़ा करो और मुझे फॉलो करो। यस सर। ओके यस सर। फॉलो फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी। तुम यहाँ खड़े होकर इधर उधर क्या देख रहे हो? सर देख रहा हूँ आपकी गाड़ी कहाँ से आ रही है। उल्टी आपके घुमा के दूंगा ना। किस लिए सर? कार का नाम लेता है, दोबारा कभी कार का नाम मत लेना। अपने पैरों का इस्तेमाल करो। शंकराचार्य ने भारत के 3 चक्कर लगाए और जगत गुरु बन गए। कर्नाटक राज्य और आंध्र प्रदेश में जिसने एक एक बार पद यात्रा की वो सीएम बन गया। तो तुम भी पद यात्रा करो, सीएम बन सकते हो। ये लकी मैन का थॉट। ओके सर। सर 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 जरा समझ कर चलिए, देखिए आगे कीचड़ है, कोई गाड़ी आ गई तो आपके कपड़े खराब कर देगी। कीचड़ और पानी, वो मेरे ऊपर उड़ कर आएगा और मुझे गंदा कर देगा। तुम यही सोच रहे हो ना? जी हाँ सर। लकी मैन,
अब देखो कीचड़ मुझ पर उड़ता है क्या? जरा दूर खड़े होकर देखो। हाँ दूर खड़े हो जाओ वरना गंदे हो जाओगे। हाँ सच में ये बहुत किस्मत वाला है। दरवाजा खुल जाए, सिम सिम, लकी मैन यहाँ आ गया है। देखा किस्मत वाले का घर, मेरी फोटो लगाकर तुम भी पूजा किया करो, तुम्हारी भी किस्मत बदल जाएगी। अब चलो चलो चलो। तुम मुझसे आगे क्यों चल रहे हो? तुम्हें इस लकी मैन से पीछे चलना है। सॉरी सर। हाँ लकी डे लकी ड्रॉ लकी मैन हे हे। हाँ सर सर, आप वाकई बहुत किस्मत वाले हैं। इतना बड़ा घर, इतना कीमती सामान, 5-6 गाड़ियाँ, ये घर भी आपके लिए बहुत लकी है सर। तो है सर। सर क्या सर, आप भी, आपको क्या क्या चीजें गिफ्ट में मिली बताइए ना मुझे। इन पापी आंखों को थोड़ी ठंडक मिल जाने दीजिए ना सर। दिखाऊंगा, तुम फिर जलन मत करना, बुरी नजर लग जाती है। अरे रे रे रे, इसमें जलन की क्या बात है सर, मेरा जो है सर वो आपका है, आपका जो है वो मेरा है। ऐसी बात सोचने वाले बहुत ब्रॉड माइंड वाले होते हैं सर। क्या मेरा जो कुछ भी हो तुम्हारा ऐसा सोचूंगा तो मैं ब्रॉड माइंडेड हो जाऊंगा? तुम्हारी बात मेरे गले से नहीं उतर रही है। ये बताओ ये सिंगल मीनिंग है, डबल मीनिंग है, ट्रिपल मीनिंग है? नहीं 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 सर, सब राइट मीनिंग है, एक ही मीनिंग है। राइट मीनिंग है, राइट सर। मेरे लकी कलेक्शन में जो कुछ भी है वो सब तुम्हें दिखाऊंगा। सर, अरे पूरे शहर का गोल्ड तो आपकी अलमारी में है। सर सर आप गोल्डन स्टार है सर। सर आप सोने के इंसान है। ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब सोने जैसा इंसान सर। सर आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई सर, आप लकी स्टार है। एक मिनट के सर, मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए सर। ऑटोग्राफ दूँ? पर किस लिए? सर ये स्टार लोग ऊपर 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 कैसे जाते हैं? ऑटोग्राफ दे देकर ही वो ऊपर जाते हैं सर। आप ऑटोग्राफ देंगे तो डबल ट्रिपल चौबल हो जाएंगे सर। सच कह रहे हो? हाँ सर। दीजिए सर, ये लीजिए सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सर। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, वो सब उबल उबल के बाहर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये सब डबल ट्रिपल हो जाएगा ना? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, हो जाएगा सर। मेरे पहले फैन के लिए कर रहा हूँ सर। जरा ठीक से लीजिए ना सर। सर ये सच में आपके सही है ना? हाँ सुपर सर, सुपर। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। एक चीज और दिखाएंगे? क्या है सर वो? बस तुम जलन मत करना। क्या बोल रहे हैं सर, मुझे तो और खुशी होगी सर। लकी स्टार। लकी स्टार, सुपर स्टार। आगे बंद करो, आगे बंद करो। अब बंद कर लेता हूँ। टन 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 टन। सर सर ये सब क्या है? आप सर गोल्डन स्टार ही नहीं है, आप डायमंड स्टार है, डायमंड स्टार। मैं डायमंड स्टार हूँ सर, मैं जिंदगी भर के लिए आपका फैन बन गया हूँ। ये लीजिए ऑटोग्राफ दीजिए मुझे। ये लकी स्टार ऑटोग्राफ दे रहा है अपने पहले फैन के लिए। दीजिए ना सर, दीजिए सर। हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। सर 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 ये सब क्या है सर, आपने क्या शिकार खेला है सर? ये सब क्या है सर, पूरा कमरा गिफ्ट से भरा है सर। वाह वाह क्या बात है, अरे कितना वजन है इसमें, बाप रे बाप। सर एक मिनट सर, ये लीजिए सर, और होल सेल में अपने ऑटोग्राफ मुझे दे दीजिए सर। होल सेल में? हाँ सर। सर लाइफ लॉन्ग आपका फैन बन गया हूँ। हाँ सर। इसका फ्रेम बनाकर रखना। हाँ जरूर बनाऊंगा सर। हाँ सर ग्रेट सर, कीजिए सर, कीजिए सर, और कीजिए सर, क्या बात है सर। वो ऑटोग्राफ लेकर तुम्हें धोखा कैसे दे सकता है? वो खोल कर बताओ। मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैसा इंग्लिश पेपर है यार, इसमें कुछ भी सही नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ बिना मतलब का है। इस लकी मैन से मिलने लगता है फिर कोई आया है। आता हूँ। ब्रह्मा इधर रहता है क्या? द वन एंड ओनली लकी ब्रह्मा, मैं ही हूँ। गिफ्ट में क्या लाए हो? गिफ्ट देते ना, आइए बाहर आइए, थोड़ा बाहर आइए, आपको गिफ्ट देते हैं। अरे देखो वह चिड़िया उड़ रही है। इतना क्यों मारा, कौन से वो लोग? मेरा पिछवाड़ा सुझा कर चले गए, अब तो बैठने लायक भी नहीं रहा मेरी माँ। अरे माँ, अरे कोई भिखारी नहीं है, मेरा बैंड बज गया।
इतना बुरा मार के कई दिन बैठ नहीं पाऊंगा। कौन आ रहा है? कौन है? अब कौन हो सकता है यार, सामने तो आओ। अरे मिस्टर ब्रह्मा। मां कसम मैं नहीं हूँ सर, मैं तो नौकर हूँ, मालिक ऊपर है मैं नीचे हूँ सर। मैं ऊपर जा सकता हूँ? शौक से जा सकते हो सर। ओके कम ऑन चलो। जाइए जाइए, इनका काम तो हो गया, कचक कचक हलाल हो जाएंगे। आइए सर। नाइस टू मीट यू सर। ओके सर, सी यू, थैंक यू, ओके बाय सर। वो लोग तुम्हें हलाल करके गए, कौन थे वो लोग? सर वो लोग ZigZag अंडरवियर कंपनी के लोग हैं सर। यहाँ क्यों आए थे? सर वो लोग कह रहे थे कि आपने ZigZag कंपनी का टॉल और अंडरवियर खरीदा है। हाँ, वो तो सही है। उसमें मलेशियन पैकेज टूर है, गिफ्ट पैकेज है, आपका बंपर प्राइस लग गया है सर। मैं तो लकी मैन हूँ। मैं हूँ लकी ब्रह्मा। जी सर, जी सर। वीजा के लिए वो पासपोर्ट मांग रहे थे तो मैंने उन्हें दे दिया। तुमने उन्हें दे दिया? जी हाँ सर। क्या बात है, मैं तुम्हें मेरे साथ एयरपोर्ट लेके जाऊंगा। तुमने कभी एरोप्लेन देखा है? सर एरोप्लेन का मतलब नहीं देखा? नहीं देखा सर, वो आकाश में उड़ता ना, इसलिए नहीं देखा। नजदीक से नहीं देखा सर। मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। ठीक है सर। और एयरपोर्ट? सर एयरपोर्ट जैसे ऑटो टैक्सी खड़े रहते हैं, वैसे ही प्लेन खड़े रहने का स्टैंड है वो। समझ गया, समझ गया। आप कितने महान हैं सर, आप ले जाएंगे मुझे? हां बिल्कुल ले जाऊंगा। ठीक है सर। अभी काम करो, सुबह करेक्ट टाइम पर रेडी हो जाना। हां करेक्ट टाइम पर रेडी हो जाना, सब दिखाऊंगा। सही में ले जाएंगे ना? ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तू भी मेरे साथ लकी हो जा। दिस इज नॉट योर पासपोर्ट, गिव मी योर पासपोर्ट। नो नो, दिस इज माय फोटो, माय पासपोर्ट। हां नो नो, सिक्योरिटी ले जाओ इसको। नो नो नो, माय टिकट। No, no, no. This is not your ticket. Not even your passport. Hello, excuse me. Main singh baat karta hu. I'm a lucky man. See, this is me. This is my face, okay? This is my identity card. And this is my passport. I'm going to Malaysia. Okay, okay. You can go. Yeah. Okay, thank you. You can go. Okay, thank you very much. Hey, my ticket. Yeah, it's my ticket. Cabin is not here. My child. Hey, Kimabe. You can go. You can go. Hey, Kimabe. देखो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए मेरे पासपोर्ट पे तुम अपनी फोटो चिपका कर आज मलेशिया जा रहे हो। लेकिन मैं भी लकी मैन हूँ, मैं लंदन जाकर वहाँ की विक्टोरिया रानी से बात करूंगा। आप तो जा जा जा। ए बच्चे क्या है बकरे? हाँ हाँ, अपनी औकात भूल गया क्या? तुझे मेरे ऑटोग्राफ की जरूरत नहीं है क्या? ऑटोग्राफ? हाँ मेरे फोटोग्राफ को तुम लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे। तुम्हारे ऑटोग्राफ का क्या होता है देखना। मेरा काम तो हो गया। आ जाना। हो गया? ऐसा कौन सा काम था इसका? पता नहीं क्या क्या करके चला गया वो मेरे साथ। हेलो, हे गोलगप्पे, तूने एक टोपी बाज को मेरे पास भेजा, वो बिल्कुल सही लड़का नहीं था। क्या कह रहे हो? उल्लू बना गया। क्या कह रहे हो यार? मैंने किसी को नहीं भेजा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। एक मिनट। हाँ, सर यहाँ गड्ढा है और गड्ढे में कीचड़ है। सर कोई गाड़ी आएगी और आप पे सारा कीचड़ उड़ जाएगा। ये कीचड़ उड़कर मेरे ऊपर आ जाएगा? ए ऐसा एक ने कहा, वो मलेशिया चला गया। अब तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें बैंकॉक भेज दूंगा। अब जरा दूर खड़े जाओ और मेरा लक देखो, दूर जाओ। नवजोत सिंह, स्टॉप इट, स्टॉप इट! तुम इतने सारे बच्चे क्या कैसे आ गए? तेरे सर पर आकर बैठ गए? अरे इतने सारे लड़के और लड़कियाँ, ये आखिर कहाँ से आ गए हैं? हेलो हेलो हेलो। कौन है जी? कौन हूँ मैं? इस मकान का मालिक हूँ मैं। सुनिए जी, जरा बाहर आइए। कोई है? ये कौन है? कौन है तू? क्या काम है? ये क्या हो रहा है? सब पूछ रहे मैं कौन हूँ? इस घर का, इस बंगले का मालिक हूँ मैं। एक काम कर रहा है तू? मेरा घर है, मेरा घर, ये मेरा घर। दिखा, दिखा इसे। अरमान सिंह, देखो ये ऑटोग्राफ सिंह, घर के कागजात नहीं है सिंह, लीजिए सिंह। और जगह छोड़िए सिंह। क्या हुआ? देखो ये क्या कर रहे, मारो इसे। मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसे, करके कुचुंदर बना दो इसका। भाई छोड़ दो इधर, छोड़ दो इसे।
मैं ऐसा था सर, अब देखो कैसा हो गया। देखो सर, सिर्फ 24 आवर्स में सर, वन डे मैच में मेरे छक्के छुड़ा दिए सर। सर आपको चैलेंज देता हूँ सर, आप उसके साथ एक घंटा बिता लीजिए, वो आपको हवलदार बना देगा। सॉरी सर। सर मुझे फिर से अमीर बनने के लिए उसके साथ एक हफ्ता बिताना होगा। अगर मैं उसके आगे पीछे चक्कर लगाऊंगा तो मेरी खोई किस्मत लौट आएगी, ऐसा स्वामी जी ने कहा था, इसलिए उसे पकड़ लीजिए सर। ठीक है कंप्लेन लिखो। थैंक यू सर। सर क्या बात है सर, मेरी कहानी सुन के आपके चेहरे में पसीना आ गया सर। गो तो फैन ऑन कर दूं सर। ब्रह्मा कहाँ है तू? तलाश ही नहीं। ओके बॉस। करें ओके टेक इट। मंदिर में आए सभी भक्तजनों और पुजारियों से हम कहना चाहते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर में बम प्लांट किया गया है, जल्द से जल्द सब लोग मंदिर से बाहर आ जाएं। कम ऑन फास्ट, कम ऑन, मेक इट फास्ट, कम ऑन सर। क्या कहा? बम दान पेटी में छुपा है, हमें बम को डिफ्यूज करना होगा, इसलिए दान पेटी को वहां से हटाओ। कम ऑन फास्ट, सब लोग एक तरफ हटो क्योंकि बम को लाया जा रहा है। हटो एक तरफ, ऑफिसर दान पेटी तुरंत शिफ्ट करो। ए, सब पीछे हटो, पीछे हटो, सब लोग पीछे हटो, पीछे हटो। सभी भक्तजन और पुजारी सुने, आप लोग पूजा कीजिए, बम को हम देख लेंगे। जोश भरे चुकी हूँ, भाई को तसल्ली देने के लिए यहाँ आ जाओ। लक्ष्मीपति जी थोड़ा सा धीरज रखिए। क्या कह रहा कि धीरज रख लूं मैं, पागल हो गए हो? तुमने कहा काला धन पेटी में डालकर भगवान के यहाँ रख दो, रख दिया। लोग उसे भगवान का पैसा समझ करके रेड नहीं मारेंगे कभी। तुम्हारे कहने पर मंदिर बनवा कर करोड़ों रुपए वहाँ पर छुपा कर रख दिया और डकैत वो सारा पैसा लेकर उड़ गए। बात करता है, मैंने उस टीवी चैनल वाले को पकड़ने के लिए एक नए पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करवाया और उसने मेरी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में साफ करवा दी। 3 बार जीत कर इतनी मुश्किल से वो सब कमाया था मैंने,
वो सब का सब तेरे भगवान के चक्कर में वो लूट कर ले गए। नमस्ते मिनिस्टर साहब। अपना नमस्ते अपने पास ही रखो। एक मंत्री की रक्षा नहीं कर सकते हो तुम लोग तो जनरल की क्या खाक करोगे? जाओ जाकर ये खाकी उतार फेंको, किराए पर लहंगा और ब्लाउज लेकर पहन लो और किसी कोठे पर जाकर मुजरा शुरू कर दो। माइंड योर टंग सर। पकड़ूंगा मैं उसे, पकड़ूंगा तुम्हारा पैसा ढूंढ कर निकालूंगा। सॉरी सर। सर गुड मॉर्निंग सर, ब्रह्मा के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला है, ये देखिए सर। उसका फुल डिटेल इस फाइल में है सर। 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग गमलिंग में थी सर, तब ब्रह्मा लापता हो गया। कंप्लेंट उसके पिता ने खुद करवाया था। नमस्ते सर। जी नमस्ते। मेरा लड़का कहीं भाग गया है सर, हम लोगों ने सब जगह ढूंढ लिया है पर वो नहीं मिला। आपसे निवेदन, उसे ढूंढ निकालिए सर। ठीक है ढूंढ लेंगे। तुझे अपने बाप का सेंटीमेंट तो होगा, तेरे बाप के मिल जाने के बाद तू भी जरूर मिल जाएगा। ओम गंगे चयने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सिंधनिधिं करो अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था मदतो पिबा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सभाख्याभ्यन्तरस्थिति। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः। चलो बेटा इनकी आत्मा की शांति के लिए अब पुष्पार्पण करो। ओम तत्चन्द्रारुणेमहे गातं यज्ञाय कामं यज्ञपदये। अब इसे पकड़ो, इस पिंड को पानी में विसर्जित कर दो। आदमी करोड़पति है, पुराना लैंडलॉर्ड, परसों ही 200 करोड़ की लैंड की डील की है और उन पैसों को उसने गोल्ड और डायमंड में इन्वेस्ट किया है जिसको उसने अपने घर पे रखा है। अगर हम उसे पाने में कामयाब हो गए तो हमें ऑस्ट्रेलिया के ऑपरेशन में हेल्प मिल जाएगी, लेकिन याद रहे ये उस एरिया का किंग माना जाता है। इससे मौत की नींद सुलाकर मैं वो पैसा जरूर लाऊंगा। मैडम अब तक जो मैंने आपको सुनाया वो अतीत था, अब प्रेजेंट की बारी। ब्रह्मा क्या है वो अब मैं आपको बताऊंगा मैडम। उसके साथ अपॉइंटमेंट के लिए यमराज भी इंतजार करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सरकार को गिरने में अभी कुछ ही घंटे बचे हैं, बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। 15 एमएलए हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। ब्रह्मा का अपॉइंटमेंट मिला क्या? मेहनत करके आज मैं इस कुर्सी तक पहुंचा हूं,
सभी जानते हैं लेकिन मुझे आज मेरे साथ के लोग धोखा देकर मेरी सरकार गिराना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। किसी तरह मेरे सीएम की कुर्सी बचा लो, बाकी का वादा हम बाद में कर लेंगे। ब्रह्मा भाई मेरी गवर्नमेंट को बचा लीजिए। तुम जा सकते हो। ब्रेकिंग न्यूज, फिर से कुर्सी बचाने में कामयाब, सीएम बहुत खुश। ब्रह्मा के द्वारा फिर से बच गई है सरकार। सरकार को फिर जीवन देने वाला किंग मेकर है ब्रह्मा। मैं और मेरी सरकार आपका सदा आभारी रहेंगे भाई। थैंक्स। हेलो, रिवाइंड या रिप्ले मत करो। वो अपने बाप को मारने के लिए गया है या नहीं ये बताओ। कम ऑन बोलो। अकलमंद लोग रिवाइंड करके ही सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। जो भी कह रहा हूँ ना उसके लिए हिम्मत चाहिए। अगर आपको सुनना है तो सुनिए। ब्रह्मा अपने बाप को मारने के लिए गांव पहुंचा। क्या बोला? मुझे मारने की साजिश करने वाला कभी नहीं बचेगा। उसके कदम यहाँ पड़ने से पहले उसे खत्म कर दो। मारने का चांस ही नहीं, क्योंकि गमले में मिट्टी है, मिट्टी में पानी है, पानी में पौधा है, पौधे में फूल है और फूल में भवरा है। आज मैंने अपना सारा काम ढंग से किया है, पिटने का कोई चांस ही नहीं है। डोंट वरी। सुनो तुम। ओ आई एम मालिक, आई एम कमिंग। आगे 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 मालिक। आपने बुलाया मालिक? आपने क्यों मारा क्या मैं ये पूछ सकता हूं? मेरा चप्पल भी आपके चप्पल की तरह, नहीं नहीं आपका चप्पल भी मेरी चप्पल की तरह। मैं गलती से आपका चप्पल पहन कर आ गया मालिक। मुझे फिर क्यों मारा ये बताइए। मेरी चप्पलें पहन कर तू घूमेगा? चल उतार। अभी देता हूँ ये लेके। तेरी मौत का कारण बनेगा। ब्रह्मा, 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 ब्रह्मा। कौन हो तुम? उपेंद्र। किस गांव से हो? चिकमंगलूर। तुम्हारे माँ बाप? हाँ है। अगर मेरे पास तुम्हें काम करना है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। ईमानदार होना होगा, विश्वास के साथ काम करना होगा, 3 वक्त का खाना और 6,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। ऊपर से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। 24 घंटे की ड्यूटी। हाँ ठीक है मालिक। ए साधु। जी मालिक। इसे ले जाकर इसकी ड्राइविंग टेस्ट ले लो। ओके। पास हो गया तो आउट हाउस के अंदर। हाँ। फेल हो गया तो गेट के बाहर। हाँ ठीक है मालिक। चलो आ जाओ। भाई हमारे खिलाफ साजिश रचने वाले को हम बोरी में भर कर लाए हैं। जो नमक खाता है उसे पानी पीना पड़ता है, जो गलत करता है उसे सजा भुगतनी पड़ती है।
मेरे खिलाफ साजिश करने वाले का खून देखना है मुझे। ले जाओ इन सबको यहाँ से। ये है तुम्हारा महल। क्यों, तुम्हें चलेगा ना? हाँ चलेगा। इस घर में मुझे देखकर हर कोई घबराता है, थर 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 कांपता है। ओह। क्योंकि इस घर में काम करने वालों का मैं लीडर हूँ। अच्छा सर। हाँ तो बच्चों, नाम क्या है तुम्हारा? उपेंद्र सर। उपेंद्र है? किसने ये नाम रखा है उपेंद्र? ना तीखा है, ना मीठा है, ना खारा है, ना फीका है। उपेंद्र करके अपना नाम रख दिया है। ए, मेरा नाम सुना है क्या? क्या है सर? साधु, साधु महाराज। मेरा नाम सुनते ही हर कोई थर थर कांपता है। वो ब्रह्मा है ना, उसी की तरह मैं हूँ। वो ब्रह्मा सृष्टि करता रहता है और मैं उसका सर्वनाश करता रहता हूँ। अच्छा बच्चू, ब्रह्मा कौन है जानता है क्या? नहीं जानता। सर से गंगा बहाते हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, गले में सांप को जो लपेट कर रखता है, वो है ब्रह्मा। सर वो तो शिव है ना सर? शिव है तो फिर ब्रह्मा कैसा है? मेरे जैसा। ए बच्चू, तू मजाक कर रहा है क्या मुझसे? अरे नहीं सर, कभी करना भी नहीं सर। दो मिनट के अंदर सारी चीजों को बाहर फेंक कर झाड़ू पटका करके शीशे की तरह इस जगह को चमकाना है तुझे। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सफाई किया, बहुत अच्छा काम करते हो। मेरा बायोडेटा तो आपने पूछ लिया, पर अपना तो बताया नहीं। मैं एक अलग ही चीज हूँ। इस घर को साफ करने वाला मैं बहुत बड़ा डकैत हूँ। इस घर से सोना चांदी हीरे चुराने वाला एक चोर हूँ। एक दिन इस घर का तिजोरी तोड़ कर ही रहूंगा मैं। मुझे यहाँ आए हुए 8 साल हो गए। तिजोरी तोड़ने के लिए मुझे अब 1 ही साल बचा है। तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ा क्या? सर पल्ले पड़ने के लिए तो आपने कुछ बताया नहीं, सिर्फ आड़े तिरछे रिएक्शन से दिए हैं। मैंने इसे म्यूट कर दिया है ताकि किसी को पता ना चले। ओहो, वैसे मैंने आपकी रिएक्शंस को सिंक करके खुद ही डबिंग कर ली, इसलिए कुछ कुछ समझ में आ गया। देखो मेरी मर्जी के बगैर सिंक करके लिंक करके थिंक करने की आदत को छोड़ दो, समझे? जाओ नहा धो के तैयार हो जाओ, ड्राइविंग का टेस्ट लेना है। मुझसे होशियारी करता है, सिंक करेगा। Hello, sir. Hello. We are Interpol officer from Malaysia. Okay. And this is Rahul Dev, most wanted criminal. Killed by Brahma in Malaysia. Hello. Yeah, tell me.
Everyone, this is Sara, wife of Rahul Dev. She may come to India, and any time she may kill Brahma. This is Interpol News. इंटरनेशनल डॉन को तूने खत्म किया, यानी तेरे और उसके बीच कोई लिंक है। ब्रह्मा तेरे लिए जाल बिछाया जा चुका है, देखता हूँ तू और कितने दिन पहुँचता है। अरे 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 अरे, सुनो उपेंद्र, तेरे घर वाले आए जाकर मिल ले। घर वाले? अरे तेरी बीवी आई, ऐसे कर रहा है जैसे तेरे कोई बीवी ही नहीं है। अरे ये क्या है, बीवी का नाम सुनते ही तुम दबाकर भाग गया? इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बीवी से डरता नहीं मेरे अलावा। क्या कर सकते हैं बेचारे ड्राइवर लोग, नौकरी के चक्कर में साल के 12 महीने बाहर रहते हैं भटकते हुए, इसलिए बीवी का नाम सुनते ही दुम दबाकर भाग जाते हैं। अरे वाह, महल देखकर तो लगता है उसने बिल्कुल सही जगह का एड्रेस दिया। कौन हो तुम? वो मैं ये मेरी बीवी है। बीवी? ये क्या भाग्यवान, मैंने तुम्हें कहाँ बुलाया था और तुम कहाँ चली आई? मालिक है, मालिक है, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो मालिक को। हाँ साले, ये कौन है? मेहंदी लगी मैं वो ब्रदर भैया है। प्रणाम कर। बेकार के बोझ के लिए कोई जगह नहीं है, कहा था ना। बेकार का बोझ कह रहे? देख, किस्मत वालों को मैंने बदकिस्मत वाला बना दिया है। अगर ऐसी वैसी बात की ना तो तेरे भी सितारे गर्दिश में होंगे। साइलेंटली यहाँ से कट ले। प्लीज यार, एक हफ्ता मुझे यहाँ रहने दो ना। स्वामी जी ने बताया कि जो मैंने किस्मत में खोया है, अगर मैं एक हफ्ता तुम्हारे साथ रहूंगा तो वो मुझे वापस मिल भी सकती है। क्या चल रही है? कुछ नहीं मालिक, ये कह रहा था कि यार तबेले में कोई काम मिल जाए, जैसे गोबर साफ करना है, भैंसों को नहलाना, तो ये इसको दे दीजिए। साधो जी मालिक, इसे हमारे गार्डन में काम पर लगा दो। ठीक है मालिक। उपेंद्र, तुम अपने घर वाले को ले जाओ। जी ठीक है मालिक। चलो। देख के लग रहा है कि तू इस महल को भी दांव पर लगाने वाला है। hey, तू इस महल को चारों तरफ से देखकर चोरी करने का कोई प्लान बना रहा है क्या? अबे 2x2 के झक्के, ये महल बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, बस मैं यही हिसाब लगा रहा था। हाथ हटाओ मेरे सर से, हाथ हटाओ। तूने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ? अबे कौन है बे तू? इस घर में आज से मैं हूँ तेरा बॉस। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही सुनना होगा, नहीं तो यहाँ से निकाल दूंगा, तुझे निकाल दूंगा। नहीं बाप, मैं तुम्हें बड़ा मालिक समझूं। और मैं शाना बनता है। ये सारा कल का बच्चा मेरा बॉस बन गया है। चल इधर आ। आया बॉस। हे बच्चू, चल इधर आ। हाँ तो नाम क्या है तेरा? किस्मत वाला। किस्मत वाला? तो फिर यहाँ काम करने के लिए क्यों आ गया है तू? तेरी बहन का जो पति है ना, वो बहुत अच्छा है, हमेशा मुझे सलाम करता है, मेरे आगे हाथ बांधकर खड़ा रहता है, कभी कभार मेरे पैर छू के आशीर्वाद भी लेता है। तुमसे कोई ऑटोग्राफ लिया क्या? ऑटोग्राफ? ऑटोग्राफ जैसी चीज उसने मुझसे नहीं लिया। उसकी रेंज में होता तो जरूर ले लेता। रेंज का मतलब? रेंज? अच्छा, इसका मतलब मेरा कोई रेंज नहीं है, मुझे तुमने चिरकुट समझ रखा है क्या? मैं क्या चीज हूँ तुझे ये मालूम नहीं है? चल बताता हूँ तुझे, चल मेरे साथ। अरे सुनो तो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरी जिंदगी में प्यार मोहब्बत जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है, फिर यहाँ क्यों आई हो? मैं आपकी खातिर ही यहाँ आई हूँ। मेरे अंदर जो कुछ भी चेंज आया है उसकी वजह आप हैं। आप ही ने कहा था ना मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं यहाँ वही बनने आई हूँ। यहाँ आखिर क्यों आया हूँ मैं? किस लिए ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ? मेरा मकसद क्या है? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये जानती हो तुम? आप कौन है, क्या है, यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ क्या करने आए हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं और मैं पूछूंगी भी नहीं। मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपके हाथों से मुझे मंगलसूत्र पहनना है। तूने न जाना, मैंने न जाना। तुझे पौधों पर पानी डालने को कहा था ना, डाला क्या तूने? अरे रात में बारिश आई थी ना। ए, बारिश आई थी तो क्या करना था? हाथ में छतरी पकड़ के पानी देना था ना तुझे। क्या? मुझे यहाँ सिर्फ एक ही हफ्ता रहना है, वरना मैं तुझे मसल के एकदम। भाई इस बैंगलोर फैक्ट्री के इस एग्रीमेंट पे साइन करना है भाई।
ऑटोग्राफ। रुक जाइए मालिक, ऑटोग्राफ मत देना। मालिक मालिक रुक जाइए, ऑटोग्राफ बिल्कुल मत देना। ये क्या बकवास कर रहा है? ऑटोग्राफ देगी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ऑटोग्राफ मत देना। ए, पागल की औलाद, तेरा दिमाग खराब हो गया है? सच में पागल हो गया? यहाँ से ए, चल निकल यहाँ से, निकल निकल निकल, तो दो लाख जमा हो, चल निकल यहाँ से, चल चल आता, चल। मेरे मालिक को देखना, वो एक उम्र दराज आदमी है, वो भिखारी के रूप में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, उनसे ऑटोग्राफ मत ले प्लीज। तू यहाँ पर क्यों आया है? तेरी खुशकिस्मती तुझे वापस चाहिए या नहीं? तो अपना मुंह बंद रख, और अब ज्यादा और एक्टिंग करने की कोशिश तूने की ना तो जान से मार डालूंगा। चल निकल यहाँ से। जिस थाली में खाता है उसे छेद करता है। अगर मुंह खोला ना तो मैं तेरी बत्ती सी मुंह से बाहर निकालूंगा। इन नमक हरामों पर गद्दारी का केस लगाओ ताकि ये उम्र भर जेल में सड़ते रहे।
भाई साहब हम इस घर में कितने सालों से काम कर रहे सुना हैं? सुना है 30 सालों से करते आए हैं। फिर हमारा उस घर में चोरी करने का इरादा कैसे आया? सच में यार सिर्फ आज के दिन तुमने अगर मेरा कहना माना तो कल पूरी दुनिया तुम्हारा कहना मानेगी। क्या कहते हो? मतलब उसे अंदर आना था तो हमें बाहर कर दिया। बाहर आओ सब लोग। आज के बाद ये उपेंद्र मेरे घर में मेरे बेटे के समान रहेगा। घर के अंदर के सारे काम देखेंगे। सरस्वती इसे अंदर ले खाना खिला। आओ बेटा। तू मुझसे पहले यहाँ से हाथ मार कर ले जाएगा। मैं भी देखता हूँ। सुनो साधु। हाँ मालिक। इस घर से कुछ चुराने का तुम्हारा मन करता है क्या? मेरा आपके घर में? मेरे मालिक कभी ऐसा नीच ख्याल मेरे दिमाग में आ सकता है क्या? आपका नमक खाया है मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। नमस्कार। हमारे सूत्रों से पता चला है कि कानून मंत्री महंतेश्वर के घर पर डकैतों ने 1 करोड़ रुपया लूट लिया है और पुलिस ने बताया है कि वो शहर से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। हे गिरी। सर। ट्रांसपोर्ट गाड़ी आई है। हाँ। जाओ जाकर चेक करो। ओके सर, करता हूँ सर। ए, नीचे उतरो। कहाँ से आ रही है तुम्हारी गाड़ी? पास के गांव से सर। तुम्हारा लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स जाकर साहब को दिखाओ। और ये माल कहाँ से आया बताओ। तेरा? सर रामलाल। क्या रे गाड़ी के अंदर क्या है? सर क्या? सर दरवाजा खोल मुझे देखना है। कुछ गड़बड़ घोटाला है क्या? अब ठीक से चेक किया ना? साहब टमाटर है साहब। मुझे थोड़ा शक हो रहा है। अरे सर टमाटर की गाड़ी थी सर। मिनिस्टर के घर की डील हो गई है। सारे पैसे हमारे पास ही हैं। कहाँ भिजवाओ? सुजाता को फोन दो। सुजाता एक काम करो। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं अपनी गन लोड करके क्लाइमेक्स की तैयारी कर रहा हूँ। फुल स्टॉप लगाने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम सब होशियारी से रहना ओके? हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो पूरे प्रॉफिट के साथ वापस आया है। मार्केट में कहीं भी लॉस नहीं हुआ, सब जगह से प्रॉफिट हुआ है। उस 100 करोड़ को देवनल्ली एयरपोर्ट वाले लैंड में इन्वेस्ट करो। भाई वो पुरानी फैक्ट्री का एग्रीमेंट लेके आए, आपके इस पे साइन चाहिए। उपेंद्र चेंज कर दिया कार का टायर। चेंज कर दिया तुमने? वो तो कल ही चेंज कर दिया था मालिक। हाँ। ए, क्या टाइम पास कर रही हो? जल्दी करो। रानी की तरह बैठी हुई है, सब काम चोर हो गए हैं। हाँ डालो डालो यार। तुझे क्या करने को कहा था? क्या कर रहा है? हाँ? जिसे देखो यहाँ मनमानी किया जा रहा है। इधर देखो वो उपेंद्र मेरे काम को छीनने की कोशिश कर रहा है। मेरे मालिक का एकदम खास हो गया है, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? हे, बच्चे हो तो बच्चे की तरह रहना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी अड़ियां निकाल करके फेंक दूंगा, याद रखना। बॉस हाँ? अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहोगे हाँ? तो एक दिन ट्रक आपके ऊपर ही चढ़ जाएगा, तब आप क्या करोगे? मैं क्या ट्रक को अपने ऊपर आने दूंगा? साइड हो जाऊंगा साइड। मुसीबत आई तो साइड में हो जाओगे ना, तो अपनी साइड में क्यों नहीं हो जाते? तेरी तो है, तूने मुझे समझ क्या रखा है? तू कल का छोकरा मुझे एडवाइस देगा मुझे? नालायक के अलावा एक काम सही ढंग से नहीं किया। बागीचे में पानी नहीं डाला, कॉफी नहीं बनाया, माल लोड नहीं किया, झाड़ू नहीं लगाया, जानवरों को घास नहीं डाला, तबेला साफ नहीं किया। नालायक के अलावा तुम लोग काम चोर हो गए हो। सही ढंग से काम नहीं करोगे तो मैं सबको बात। ये क्या है बे?
ये नहीं किया वो नहीं किया, ये कह के एक घंटे से लेक्चर झाड़े जा रहा है तू। अगर तुझे हिम्मत है तो पहले उसको जाके बोल, जो बिना मंगलसूत्र पहना है किसी को भी अपनी बीवी बोलता है। उस लड़की के गले में मंगलसूत्र देखा है तूने? क्या कहा? उसके गले में मंगलसूत्र नहीं है। कुछ नहीं बेटी, तुम अंदर जाओ। ठीक है मालिक। ए क्या मालिक तुझे बुला रहा है समझा? मुझे नहीं, तुझे बुला रहे हैं। अरे बाप, आज तो मर गया, आज तो गारंटेड गाल पे मार पड़ेगी। जब वो कुछ आते हैं तो मुझे ऐसे ही मारते हैं। क्या अब तूने क्या किया है? उसका थप्पड़ खाने के बाद ही पता चलता है कि क्या गलती हुई। जी आया मालिक, मार तो खाएगा ही जब गलती की है। मालिक मैं लेके आ रहा हूँ इसे। चल 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 मालिक, ये सोचता है कि ये यहाँ का मालिक है। चला ना मालिक, इसके कान के नीचे इतनी जोर से बजाओ कि इसकी पत्ती सी बाहर आ जाए। बहुत शरारत समझता है अपने आप को। अब पीटे इसको दबा के। ये मालिक ने मुझे क्यों मारा? ऊपर वाले, तूने मेरे सारे गर्दिस के सितारे इस पे शिफ्ट कर दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारा कैसा चमत्कार है माँ, इतनी जल्दी तुमने मेरी मुराद पूरी कर दी। कोई मुराद पूरी करो या ना करो, पर आपसे प्रार्थना है कि उन पर कोई आंच ना आए। मैं पूरे 21 शुक्रवार आपका उपवास करूंगी। बेटा ही तेरी मौत का कारण बनेगा। Thank you.
उपेंद्र, क्या चल रहा है यहाँ ये सब? शाबाश, मैं मान गया, पूछ रहे हो क्या चल रहा है। अपने बेटे को घर में छुपाकर सालों तक ये कंप्लेंट करते हो कि मेरा बेटा घर से भाग गया। दिन में इससे डकैती करवाओ, रात को इसे घर में छुपाओ और फिर कितनी बड़ी संपत्ति बनाओ, ये पूछो यहाँ क्या चल रहा है। गुड क्वेश्चन इंस्पेक्टर। कौन सा बेटा, कौन सा चोर, आखिर बात क्या है, खुल कर बताओ। वीर वर्मा जी, बीपी, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन के इलाज वाली गोली अगर तुम्हारे पास है तो उसे पहले खा लो, क्योंकि अब जो सच्चाई मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बाद तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। पॉइंट नंबर वन, ये जो सामने खड़ा है वो उपेंद्र नहीं है, ब्रह्मा है। पॉइंट नंबर टू, ये आदमी आपका बेटा है। क्या हुआ, यहाँ सबको शौक लग गया क्या? ये तुम्हें झांसा देकर तुम्हारी संपत्ति को लूटने के लिए आया हुआ डकैत है ये। डॉन की शक्ल में आपके यहाँ पैदा हुआ, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला आपका पोता है ये। इतना ही नहीं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसे ढूंढ रहा है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ब्रह्मा है ये। ऐसी चोर औलाद पैदा किया, आपके वंश में सारे ऐसे ही। इंस्पेक्टर, तुम्हें अंदाजा है तुम किसके वंश की बात कर रहे हो? हमारे वंश के बारे में तुम जानते क्या हो? Thank you.
वंश का कर्तव्य है। युद्ध करना नहीं है, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। प्रणाम गुरुवर आचार्य जी। राजन, आपका दान धर्म सदैव इसी तरह चलता रहे। जब तक आपका वंश इस तरह से दान धर्म करता रहेगा, मेरा आशीर्वाद है युग युगांतर तक आप इसी तरह राज करते रहेंगे। आपके वंश का ही कोई ना कोई राजा बनेगा। तथास्तु। आयुष्मान भव। कुछ खाने के लिए लाइए जी। भवति भिक्षां देहि, भवति भिक्षां देहि। तुम्हारा कल्याण। भीख मांगने आए तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ए वीर ब्रह्मा, घर घर भिक्षा मांगना मेरे कुल का धर्म है। मेरी छाती पर लात मारकर तूने मेरा अपमान किया है। सुन ले, सुन ले, तुझे भी एक बेटा पैदा होगा। वही बेटा एक दिन तेरी मौत का कारण बनेगा। ये मेरा श्राप है। देखा पिताजी, दान 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 को ही स्कूल की शान समझकर जो कुछ था सब दान धर्म में लुटाकर आपने अपने परिवार को ही दाने दाने का मोहताज कर दिया। आज हमारा परिवार एक मुट्ठी अनाज के लिए खून के आंसू बहा रहा है। सुन लीजिए, तुम सब सुन लो, आज से मैं अपने वंश के धर्म को बदल रहा हूं। आज के बाद इस घर से एक अनाज का दाना, एक अनाज का दाना किसी को नहीं जाएगा। मैं जो करूंगा वही इंसाफ होगा, मैं जिस पर चलूंगा वही रास्ता होगा। फिर मैं अपने परिवार को उस जगह पर ले जाऊंगा। मैं अब अपने हक के लिए दुनिया से लड़ूंगा। जो धन दौलत जमीन हमने खोई है उन सब को फिर से हासिल करूंगा। इस तरह हमारे दादा परदादा ने जो जमीन दान की थी उसे मेरे लड़के ने सबसे वापस छीन ली और अपने कब्जे में कर लिया। तभी मेरे पोते ब्रह्मा का जन्म हुआ। मेरा बेटा उसे अपने ही ढंग से पालने लगा। वो अपने बेटे की किस्मत अपने हिसाब से लिखना चाहता था, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। एक दिन
में जितना पैसा था मेरे पोते ने वो सब ले जाकर गरीबों में दान कर दिया। उस दिन गुस्से में आकर मेरे बेटे ने मेरे पोते को कंगे से बांध कर बहुत पीटा। रात भर उसको उसी हाल में छोड़कर वो वहां से चले गए। सुबह जब हमने वहां जाकर देखा तो हमारा पोता वहां नहीं था। ऐसे महान वंश में पैदा हुआ है वो। दादाजी, आपका पोता बचपन में ही प्रहलाद था, बड़ा होकर वीरप्पन से आगे निकल गया। आप क्या कर सकते हैं। मैं तुम्हारे सामने थी, फिर भी एक बार भी मुझे माँ कहकर नहीं पुकारा। भगवान, ये कैसे हुआ? अपने ही बच्चे को मैं पहचान नहीं पाई। बच्चों को लेकर तुम सब अंदर जाओ, अंदर जाओ। इंस्पेक्टर, जब ये घर छोड़कर चला गया था मैंने सोचा कि ये रास्ता भूल गया है, पर नहीं, इसने गलत रास्ता सोच समझ कर चुना है। इसे यहां से ले जाओ। ब्रेकिंग न्यूज, करोड़ों रुपए लूटने वाला ब्रह्मा आखिर हुआ गिरफ्तार। पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ ब्रह्मा अरेस्ट। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, ब्रह्मा अरेस्ट हो गया। पेपर ले लो, पेपर ले लो। आज की ताजा खबर, ब्रह्मा अरेस्ट हो गया, ब्रह्मा अरेस्ट हो गया। बहुत सख्ती के साथ ब्रह्मा से पूछताछ। तुम्हारे ऊपर लीगली केस फाइल हो चुका है, बचने का कोई रास्ता नहीं। कम ऑन, नहीं बताओगे? आखिर हजारों करोड़ों रुपए का ब्रह्मा ने क्या किया होगा? इस बारे में हमारे देश की जनता क्या कहती है, चलिए सुनते हैं। और क्या किया होगा मैडम, पागलों की तरह उड़ाया होगा। ऐसे नालायक बच्चों को गोली से उड़ा देना चाहिए। सुल्तान का पैसा मलेशिया ले जाकर अय्याशी की है। इस तरह के देशद्रोहियों को पत्थर मार कर मार देना चाहिए। ब्रह्मा के साथी भी हुए गिरफ्तार। तुम सब के सब समाज के लिए बॉम्ब की तरह खतरनाक हो। भागो। तुम्हारे और ब्रह्मा के बीच क्या रिश्ता है? ब्रह्मा हमारे लिए भगवान है सर। एक दिन हम भूख से बिलखते हुए सड़क पे बैठे हुए थे। तुम लोगों को भी भूख लगी है? मिटाने वाला ब्रह्मा। आओ चलो मेरे साथ। भैया चार चाय दो ना। भूख से तड़पने वाले हर गरीब बच्चे को पेट भर खाना खिलाता था वो बच्चा। एक दिन नारायण जी की नजर उस बच्चे पर पड़ी। हम अनाथ बच्चों को नारायण मूर्ति जी अपने आश्रम लेकर के गए। अपने आश्रम में उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन एक दिन उस आश्रम की जगह पर इंटरनेशनल डॉन राहुल देव की नजर पड़ गई सर। ए, तुम जगह दोगे या फिर अपनी जान? मैं अपनी जान दे दूंगा, पर ये जगह बिल्कुल नहीं। पल रहे सैकड़ों बच्चों को नारायण जी के साथ मौत के घाट उतार उस शैतान से बदला लेने के लिए एक दिन राहुल ने उसके भाई को मौत के घाट उतार डाला। रिवेंज, इसी वजह से ब्रह्मा क्रिमिनल्स को लगातार मारने लगा। चलो ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट, वेयर इज द मनी? देखो, तुमने अगर नहीं बताया तो ब्रह्मा का एनकाउंटर ऑर्डर आ चुका है। आज रात को ही हम उसे ठोक देंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ मत कीजिए, हम सब बताएंगे सर। ए
भाई, चलो निकलो, चलो चलो। एक मिनट सर। सुजाता सर, ये भी हमारी पार्टनर में से एक है। ए, यहां तमाशा चल रहा है क्या? सुजाता, साहब देखना चाहते हैं कि पैसे कहां हैं, बता दो इनको। वो पैसे ढूंढ रहे ना सर। देखिए, बिना माँ बाप परिवार खानदान के पलने वाले बच्चों का सहारा है वो पैसा। देखिए सर, देखिए, इन अनाथों को पढ़ाने में खर्च हुआ है वो पैसा, इनकी परवरिश में खर्च हुआ है वो पैसा। देखिए सर, ये बच्चे जो खाना खा रहे हैं ना, ये खाना उसी पैसे से आया। आइए यहाँ ही सर, इन अनाथ बच्चों को दिखाई तक नहीं देता है सर। इन अंधे बच्चों के पास है हमारे ब्रह्मा का पैसा। आप ही बताइए कि किस पाप की सजा मिल रही है इन बच्चों को सर। इन सभी बच्चों के आंखों का ऑपरेशन करवाना है सर, इसीलिए ब्रह्मा अपने घर में ही चोरी करने गया था। भैया भैया, हमारी आंखों का ऑपरेशन कब होगा? वो कभी नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा भैया को पुलिस पकड़ कर ले गई है। ब्रह्मा को अगर कुछ हो गया तो अनाथ बच्चों को कौन संभालेगा सर? देखो, ब्रह्मा के लिए मैं कानून को नहीं बदल सकता हूँ। कानून की नजर में उसने जो किया वो अपराध है। फर्ज अपनी जगह, इंसाफ अपनी जगह। उसका मकसद अच्छा है, का रास्ता गलत है। उसे अपने गुनाह की सजा भुगतनी होगी। Come on, move. Breaking news. ब्रह्मा किलर नहीं है, फरिश्ता है। रातों रात डॉन ब्रह्मा एक फरिश्ता बन गया। आज कोर्ट ब्रह्मा की किस्मत का फैसला करेगा। We want justice. 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 तो रातों रातों हीरो बन गया। इसके आते ही सब के सब खड़े हो गए। बाकी को छोड़ो साहब, आप भी खड़े हो। हाँ यार, चलो बैठो। योर ऑनर, ये केस सबके लिए मार्गदर्शक होना चाहिए, ताकि कोई गलत काम ना करे।
इन्होंने जो कुछ भी किया है वो गलत है और उसके लिए इन्हें अभी सजा मिलनी चाहिए। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं सेक्शन 399 के मुताबिक इस अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जाए। अदालत से मेरी यही गुजारिश है योर ऑनर। ब्रह्मा, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? योर ऑनर, जब एक सैनिक जंग लड़ता है तो वो अपनी जाति दुश्मनी के लिए नहीं लड़ता है, बल्कि वो अपने देश की खातिर लड़ता है। बस मैंने भी वही किया योर ऑनर, अपनों की खुशी के लिए मैंने ये जंग लड़ी है और कुछ नहीं योर ऑनर। तो क्या तुम सारे पैसे वापस लौटा सकते हो? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है योर ऑनर, सिर्फ अपने प्राणों को छोड़कर। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ योर ऑनर, अगर आप फांसी की सजा देंगे तो मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार करूंगा। गुनाह चाहे जो भी करे, गुनाह गुनाह ही होता है। आरोपी ने अपने गुनाह कबूल किए हैं, इसलिए यह अदालत सेक्शन दफा 302 के तहत मुजरिम को दोषी करार देते हुए उसे योर ऑनर आप कौन है? मैं हूं इसका बाप। जब ये घर छोड़कर गया था, पहले दिन मुझे दुख नहीं हुआ, दूसरे दिन भी दुख नहीं हुआ, तीसरे दिन भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जानते हैं क्यों? चार दिन भूखा प्यासा भटककर पांचवें दिन भूख के मारे तड़पता हुआ घर लौट आएगा, यही सोचा था मैंने, पर ये नहीं है। बेटा, जब तुम इतने से थे ना, बाप होने के नाते मैंने तुम्हें कई कहानियां सुनाई थी, लेकिन तुम बड़े होने के बाद मुझसे जो गलतियां हुई थीं उन्हें मेरे सामने रखा। करोड़ों करोड़ों कमाने वाले को मैं महान समझता था, लेकिन करोड़ों करोड़ों का दिल जीतने वाला महान होता है, ये मैंने तुमसे सीखा। आज तक मैंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को अपना अपना कहते हुए अपने स्वार्थ के लिए जीना सिखाया, लेकिन मेरी सीख न मानकर नजर आने वाले हर इंसान की मदद करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और वो है मेरा बेटा। इस तरह लाखों के लिए जीने वाला करोड़ों में एक ही पैदा होता है, और ऐसा करोड़ों के दिलों में राज करने वाला मैंने पैदा किया है। योर ऑनर, ये मेरी जमीन के कागजात हैं, जिनका जिस पर हक बनता है उसे आप सौंप दीजिए। ये मेरे घर के कागजात हैं, मेरे महल के कागजात, चाहे तो ये भी ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को सजा मत दीजिए। ऐसे बेटे के साथ मुझे झोपड़े में भी रहना पड़े। तो गम है, पर मेरा बेटा मुझे दे दीजिए। आरोपी ने जिस किसी का भी पैसा छीना था वो उन्हें लौटा दिया गया है, लेकिन कानून की नजर में उन्होंने कुछ गलतियां की, उसे ध्यान में रखते हुए दफा 389 और दफा 420 के तहत मुजरिम को 2 साल की कैद बामशक्कत सुनाई जाती है। इसी के साथ यह अदालत बर्खास्त की जाती है। मैडम,
ब्रह्मा जी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया और उन्हें बाहर निकालने के लिए हमारे लोगों ने दंगे किए। मोर्चे निकाले गए, फिर इलेक्शन में उन्हें खड़ा करवा दिया। वो इलेक्शन जीत गए और हार आ गए। यही है ब्रह्मा की रियल स्टोरी। उनका घर आ गया मैडम। कार स्टॉपिंग मैडम, डोर ओपनिंग। अब उतरिए मैडम, गन साथ में ले लो मैडम, जाकर उन्हें मार दो मैडम। मजाक कर रहा हूँ मैडम मैडम मैडम। दो पैकेट बिस्किट और एक कटिंग चाय पीकर आता हूँ, तब तक आप उनको मिल लीजिए मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग। 12 बजे महिला मंडल की ओर से और 2 बजे एडिशनल कमिश्नर के साथ हमारी मीटिंग है सर। हाँ ठीक है। और शाम को 4 बजे के फ्लाइट से आपको दिल्ली जाना सर। ठीक है। एक मिनट पिताजी, आज शाम को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एक मीटिंग है, आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है बेटा, संभल कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुनिए जी, प्रेस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलता हूँ। सर, आप पब्लिक की वजह से जेल गए और पब्लिक के ही दबाव की वजह से कानून ने आपको रिहा किया। उसके बाद इलेक्शन में आपको सपोर्ट करके भारी बहुमत से आपको जिता कर लाई। इस वक्त आप सेंट्रल मिनिस्टर हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप अभी चाहें तो अपने राजमहल में रह सकते हैं, लेकिन आप उसे छोड़कर इतने छोटे घर में रहते हैं, आप बताएंगे कि ऐसा क्यों सर? देखिए, बैंक में हर किसी के लिए दो अकाउंट्स होते हैं, एक सेविंग अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी दो अकाउंट होते हैं, एक पाप का अकाउंट और दूसरा पुण्य का अकाउंट। आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में जाने अनजाने हम न जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए पुण्य का काम करना बहुत जरूरी है। कहते हैं हमारे पुरखों ने अच्छे काम किए थे इसलिए आज हम सुखी हैं, लेकिन आज वो दौर नहीं है। हम जो कर्म करेंगे उसका फल भी हम ही भोगेंगे, और इसीलिए एक पुण्य का अकाउंट चालू करके 4 लोगों की भलाई करो। मैंने शायद ऐसे कुछ काम किए होंगे इसलिए जनता मुझे आज लीडर मानती है। जनता को पीछे छोड़कर जो आगे बढ़ता है वो लीडर नहीं होता, लीडर वही जो जनता के साथ रहे। मिसेस राहुल देव, मैंने आपके पति को मारा है और उसी का बदला लेने के लिए आप यहां पर आई हैं। अपना काम पूरा करो। सॉरी ब्रह्मा, मैं आपको एक क्रिमिनल समझकर
यहाँ मारने आई थी। आपके बारे में एक ऑर्डिनरी ड्राइवर ने मुझे बताया कि आपकी असलियत क्या है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने आज आपको पहचाना। गरीबों को खाना खिलाते हो, औरों के लिए जीते हो। हैट्स ऑफ टू यू ब्रह्मा। जो कुछ भी हुआ मुझे माफ कर देना। मैं अपने पति की राह पर नहीं, तुम्हारी राह पर चलूंगी। सर, आपको मारने के लिए आई लड़की अचानक बदल गई। सचमुच आप ग्रेट हो सर। आखिर में जनता के लिए आपको दो शब्द कहना ही पड़ेगा। हाँ सर, कुछ कहिए। साधु आया है, भिक्षा दे दो माँ। साल तक तुम्हारा परिवार हंसी खुशी जिए। यही 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 हमारे परिवार की और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करती है। दुनिया पे राज करने वाला अलेक्जेंडर मिट्टी में मिल गया, नेपोलियन मिट्टी में मिल गया, हिटलर मिट्टी में मिल गया। कल आप भी मिट्टी में मिल जाएंगे, मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगा। अच्छे कर्म करो, अच्छा ही होगा। ब्रह्मा।